सर्दियों के सीजन की एक खास बात ये भी होती है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जिसका हम साल भर तक यूज आराम से कर सकते हैं। उन्हीं में से एक चीज है ये गाजर। हम इसका बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, पर मैं आप लोग को आज बनाने वाली हूँ गाजर का अचार कैसे बनाते हैं। वो भी ये अचार आप तुरंत भी खा सकते हो और इसे आप स्टोर करके आराम से साल भर तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर इसे बनाते हैं। ठंड का मौसम तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौसम में मिलने वाली जो सब्जियां हैं उसका कुछ ऐसा बना के रखा जा जो कि पूरी साल चले और आपके खाने में चार चांद लगा दे। इसीलिए आज मैं ये गाजर का अचार आप लोग को बताने वाली हूँ। ये अचार अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपके खाने को बहुत ही टेस्टी कर देगा। अगर पराठों के साथ अचार मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है। यहाँ मैंने आधा किलो गाजर लिया है और इसको मैंने अच्छे से तरीके से छील करके धुल लिया है। इसको बहुत अच्छे से धुलना पड़ता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से। फिर मैंने इस तरीके से इसके छोटे छोटे बराबर के टुकड़े कर दिए हैं। उसके बाद इसमें डाल दिया है मैंने एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हाथ से मिला लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी स्टीमर में या फिर ये जो छन्नी आती है उसमें हमने जो गाजर को कट करके रखा है उसको रख देंगे और एक तरफ हम किसी बर्तन में एक गिलास पानी डाल करके उसको उबलने के लिए रख देंगे और उसके बाद इस तरीके से एक स्टील का स्टैंड रखेंगे और फिर उसमें रख देंगे हमने जो गाजर कट करके रखे है उसको और इसे ढक करके 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। गाजर को हमें पूरा नहीं पकाना है, बस इसे 50% ही पकाना है। ये देखिए चाकू से हम इसे चेक करेंगे, गाजर हमारा आधा पक चुका है। अब हम इसे निकाल करके ठंडा होने देंगे और फिर हमें इसे धूप में 3 से 4 घंटे तक सुखा लेना है। यहाँ पे हम अचार के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच सरसों दाना और 1 चम्मच जीरा। इन सभी चीज़ों को धीमे धीमे आँच पे भून लेंगे। बस इस तरीके से धीमे धीमे भूनने के बाद गैस को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है। पाउडर बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सा दरदरा ही होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुनगुना तेल लेंगे। ये लगभग 2 कटोरी तेल है, सरसों का तेल है। और फिर इसमें हमने जो मसाले को बनाया था उसको डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आ जाएगा, वो तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर हम डालेंगे अजवाइन, फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमजू पाउडर और 1/2 चम्मच हींग और फिर इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो गाजर धूप में 4 से 5 घंटे रखे थे वो सूख चुके हैं। अब हम इस गाजर को लेंगे और जो हमने मसाला बनाया है उसमें सारे ही गाजर को ऐड कर देंगे और फिर इसे मिक्स कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है और यहीं पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 चम्मच विनेगर को। विनेगर या सिरका सिर्फ इसलिए हम ऐड करेंगे जिससे वो खराब भी नहीं होने देगा अचार को और अचार में अच्छी खासी खटास भी आ जाएगी, तभी हमारा अचार अच्छा खासा चटपटा खट्टा टेस्टी टेस्टी बनेगा। बस ये अचार बनकर के तैयार है। अब मैं इसे एक कंटेनर में डाल दूंगी। आप चाहो तो इसे ऐसे भी धूप में दिखा सकते हो, पर यहाँ पे मैंने एक कांच का कंटेनर ले लिया है, उसमें मैंने सारे अचार को डाल दिया है और अब मैं इस पे लगाऊंगी एक कॉटन का कपड़ा और इसे अच्छी तरीके से रबर बैंड से सिक्योर कर दूंगी। आप चाहे तो अगर कॉटन का कपड़ा नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर हाँ जब भी धूप में रखें तो ढक्कन को खोल के रखें। कपड़ा सिर्फ इसलिए लगाया जाता है जिससे कि जो भी डस्ट है वो अचार के अंदर ना जा पाए। अब हमारा अचार बन करके एकदम रेडी है। अब इसे हमें क्या करना है, 8 से 9 दिन तक अच्छी तरीके से धूप में रखना है जिससे हमारा अचार लंबे समय तक चलेगा और ख़राब नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।